नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे खबरें फटाफट में। बग्गा में आदमखोर हुआ तेंदुआ, बरामदे में सो रही बुजुर्ग महिला पर हमला कर मौत के घाट उतारा। मंडी कटौला बजौरा मार्ग पर आईआईटी कमान के पास हुआ भूस्खलन, यातायात ठप होने से परेशान रही जनता। सोलन में हादसों का बुधवार, सुबह सवेरे तेज रफ्तार टैंकर ने ठोंक दी चार गाड़ियां, बाईपास के पास पिकअप पलटी। ज्वालामुखी में निजी बस ने कुचला स्कूटी सवार, मौके पर ही तोड़ा दम, वार्ड 3 का था रहने वाला। चाची ने भतीजे से कर ली शादी, कांगड़ा के फतेहपुर में सामने आया अनोखा वाकया, बगावत शुरू। भारी बरसात में खड्ड पार करने में हो रही थी परेशानी, लोगों ने अपने ही स्तर पर बना दिया लकड़ी का पुल। आईटीआई मंडी में शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू, इच्छुक उम्मीदवार 20 अगस्त तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। धर्मशाला में परिवहन मजदूर संघ ने उठाई वेतन विसंगति, दूर करने की मांग, 6 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। मनरेगा बजट में कटौती पर कुल्लू और सोलन में बीडीओ ऑफिस के बाहर सीटू ने किया धरना प्रदर्शन। सैंज में 2,70,00,000 से बनेगा आराध्य देव लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर, आशापुरी कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी काम। प्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री मनोज जोशी बिलासपुर में देंगे नशे से दूर रहने का संदेश, सोले को आएंगे हिमाचल। मंडी में करुणामूलक संघ का प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, उपायुक्त के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। सोलन में बहनों ने पुलिस जवानों के साथ मनाया राखी का पर्व, सप्रून जाकर पवित्र डोर बांध खिलाई मिठाई। हिमाचल में बढ़ा हैंडमेड राखियों का क्रेज, धर्मशाला में चावल के दानों से बनाई राखी, दी राष्ट्रीय झंडे की शक्ल। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।